एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल माय नेम इज़ कृतिका दिस इज ओ टू आई एस अकेडमी सो आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स के साथ में यानी कि हर वीक हम लोग हिमाचल की जितनी भी न्यूज रही हैं कोई रिपोर्ट है कोई लोग हैं या कोई जगह है जो न्यूज में है उसको यहाँ पर देखते हैं लास्ट में कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जाता है कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन है उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है ताकि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत ना पड़े तो एक ही जगह पर हम आज जो कवर करने वाले हैं दैट इज थर्ड वीक ऑफ सेप्टेंबर फिफ्टीन टू ट्वेंटी फर्स्ट इसमें प्री और मेंस दोनों परस्पेक्टिव को कवर किया जाता है सो इन लेक्चर्स के पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां पर स्टडी मटीरियल सेक्शन में जब आप जाएंगे तो नीचे वीकली करंट अफेयर्स में ये आपको पीडीएफ मिल जाए और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एन की तैयारी कर रहे हैं एच देने वाले हैं टेस्ट सीरीज एज वेल एज करंट अफेयर्स आपको वहां पर मिलेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की कुछ प्रीलियम फैक्ट्स हैं जैसे कि काया इनिशिएटिव आईजीएमसी शिमला में शुरू किया गया देन हमने धर्मशाला जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे फिर आते हैं कुछ मेन्स के टॉपिक जैसे कि कुछ फेयर है हम लोग ड्रैगन फ्रूट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ में कायाकल्प इनिशिएटिव लॉन्च एट आई तो सबसे पहले कायाकल्प जो इसका नाम है कायाकल्प यानी कि शरीर को चेंज कर देना काइंड kind ऑफ of, इसका यही ट्रांसफॉर्मेशन इज द मीनिंग तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया 2015 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसमें बात की गई कि किस तरीके से हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर बेटर किया जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था पहली बार इसको आई शिमला में अभी शुरू किया गया है ये जो कायाकल्प इनिशिएटिव है इसके हमें सिक्स थीम्स देखने को मिलते हैं यानी कि कौन कौन से एरियाज पर काम किया जा सकता है तो वो आ गया आपका हेल्थ केयर में क्या क्या रहता है सफाई होनी चाहिए सैनिटेशन इन्फेक्शन सबसे ज्यादा आईसी में देखने को मिलते हैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल देन वी टॉक अबाउट सपोर्टिव सर्विसेज हाइजीन प्रमोशन वेस्ट मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड टाइम्स में हमने देखा कि कितना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस uh, होता है हॉस्पिटल्स में उसको किस तरीके से मैनेज करना है एंड द लास्ट वन इज़ फैसिलिटी आपकी सो इस तरीके से कायाकल्प को इनिशिएटिव को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ये है आपकी धर्मशाला डिक्लेरेशन इसमें साइन की गई और इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो किया है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्री के लिए भी एज वेल एज मेन्स के लिए भी तो इसका डिफरेंट वीडियो है आप उसको भी देख सकते हो यहाँ पे मैं क्रक्स जैसा आपको बता देती हूँ हुआ ये कि धर्मशाला में बहुत सारे टूरिज्म मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टेट्स के यूटीज़ के इकट्ठे हुए और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई सबसे पहला सवाल बनता है कि ये किसके रिगार्डिंग है तो ये है रिगार्डिंग टूरिज़्म जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है उन्होंने इसको यहाँ पर सेटअप किया इसमें कुछ नए गोल्स रखे गए जैसे कि बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन यानी कि जब हमारा देश सौ साल का हो जाएगा यानी कि हमारी आजादी को सौ साल हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू एक ट्रिलियन डॉलर का रखा गया फिर हमने इसमें बात की कि, कि किस तरीके से जो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है ये आने वाले टाइम तक एटलीस्ट ट्वेंटी थर्टी तक टू फिफ्टी बिलियन की टू फिफ्टी बिलियन की बन जाए अभी जो है इट्स नियर अबाउट वन ट्वेंटी बिलियन आने वाले टाइम तक हम इसको इतना करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी चल रही स्कीम्स हैं उनमें फंडिंग भी इंक्रीज की गई तो ये कौन कौन सी आपकी स्कीम्स हैं ये आप हम देखेंगे तो ये कौन कौन सी स्कीम्स हैं इसके लिए यू हैव टू वॉच दी अदर वीडियो उसमें डिटेल्ड हमने हर एक स्कीम को मैंशन किया है डिस्कस uh, किया तो अंड नेक्स्ट न्यूज इज कांगड़ा बेस्ट गवर्न डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश ये है अकॉर्डिंग टू दी डिस्ट्रिक्ट गवर्न गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2021 तो अगेन ये न्यूज नई नई है ये 2021 में निकल गया था लेकिन अभी इसका मेंशन किया गया है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है तो कांगड़ा बेस्ट गवर्नड डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू दी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट गवर्न डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश ये आपका प्री फैक्ट बन जाता है तो दैट बिकम्स कांगड़ा अब इसमें प्राइज मनी भी रखी जाती है जैसे कांगड़ा की फर्स्ट पोजिशन है तो पचास लाख दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेसिफिकली देन इज बिलासपुर सेकेंड आया तो थर्टी फाइव लैक्स ऊना गॉट द थर्ड प्लेस दैट इज ट्वेंटी फाइव लैक्स नेक्स्ट न्यूज है हमारी धर्मशाला टू हैव अ स्पोर्ट्स सेंटर फॉर स्पेशल किड्स तो हिमाचल प्रदेश में अक्सर हम देखते हैं कि जो स्पेशली एबल चाइल्ड है दिव्यांग बच्चे हैं उनकी डायरेक्शन में बहुत सारा काम किया जाता है जैसे आपको सांफिया फाउंडेशन याद होगी कुल्लू की सो so, उसी तरीके से uh, जो है यहाँ पर एक स्पेशल किड्स के लिए डिस्ट्रिक्ट uh, लेवल का स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाया जा रहा है नेक्स्ट हमारी न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चेरी प्रोडक्शन की जाती है लेकिन अचानक से ये जो चेरी के ट्रीज हैं, दे आर इन्फेक्टेड बाय एन इंसेक्ट जिसको लीफ हॉपर कहा जाता है ये आपका लीफ हॉपर है और ये क्या करता है उसको खराब कर देता है एक रेयर डिजीज जिसका नाम फाइटोप्लाज्मा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है ऐसा नहीं है सिर्फ चेरी को अफेक्ट कर रही है राजगढ़ राजगढ़ वैली को पीच बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है वहां पर पीचेस बहुत सारे लगते हैं तो वहां पर इसको बहुत दो करीब बीस साल पहले देखा गया था दो डेकेड पहले देखा गया था उसके बाद नहीं देखा गया है तो अगर ये यहाँ से फैलती है तो हो सकता है ये और जो भी हमारे हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको भी अफेक्ट करे तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ें बताई क्या क्या कर सकते हैं जैसे कि जीवामृत टू टू थ्री टाइम्स ये आपके हमें जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है उसमें देखने को मिलता है एंड देन जो भी आपकी स्टिक खराब हो गई है उसको बाकी के से निकाल देना है उसको डिस्ट्रॉय कर देना है ताकि आगे ये जो डिजीज है ये फैले नहीं तो हमें आज यहाँ पर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे चेरी के बारे में चेरी कहाँ कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है दिस इज मी कैजुअली विद द चेरी एंड यहाँ पर uh, हिमाचल प्रदेश में देखो ऑल्टीट्यूड सिक्स थाउजेंड से एट थाउजेंड के बीच में होना चाहिए तभी चेरी अच्छी उगती है तो जाती है लेकिन अगेन अच्छी जो कल्टीवेशन है वो हमें शिमला कुल्लू मंडी चंबा और किन्नौर में देखने को मिलती है अब जो टोटल प्रोडक्शन होती है चेरी की उसमें से 90 प्रतिशत स्पेसिफिकली शिमला डिस्ट्रिक्ट में होती है ये ना अभी एप्पल से जो लोग एप्पल नहीं उगा रहे हैं ये वो कन्वर्जन कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि उन्होंने चेरी उगाना शुरू कर दिया है स्पेसिफिक हब हमें चेरी का देखने को मिलता है नारकंडा कोटगढ़ भागी, कुमारसेन थानेदार इस वाले एरिया में हिमाचल में करीब 20 वेराइटीज उगाई जाती हैं चेरी की उनमें से कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए जैसे कि ड्योरो नेरा डेनिस टेला मर्चेंट सेल्सियस डायरेक्टली पूछा जाए कि स्टेला एंड मर्चेंट आर दी वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आमंड्स एप्रिकॉट्स चेरी या फिर एप्पल सो द करेक्ट आंसर विल बी चेरी जो चेरी है दैट इज द वन जिसके ये यह यहाँ पर हमें वेराइटीज देखने को मिलती हैं इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हिमाचल फर्स्ट स्मोकलेस स्टेट ऑफ द कंट्री हिमाचल की एक मैं आपको बात बताती हूँ जब भी इस तरीके की न्यूज हमें देखने को मिलती है ना तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगी ये आपने पहले भी सुना होगा कि हिमाचल में उज्ज्वला और ये जो आपकी गृहिणी सुविधा योजना है ये चल रही है जिसके अंतर्गत विमेन जो फोक हैं उनको गैस सिलेंडर दिया जाता है गैस कनेक्शन दिया जाता है ताकि वो चूल्हे जो हमारे पुराने वेस्ट चल रहे हैं उसमें से हट बाहर आए ये तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और अभी कहा गया कि देर इज़ नो सिंगल हाउस विच डू नॉट हैव अ एल पी जी कनेक्शन यानी कि घर पे चूल्हा तो है जलाया कभी कभी जलाया भी जाता है लेकिन उसके ऊपर सब कुछ बेस्ड नहीं है तो उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है इंटू द एल पी जी कनेक्शन तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट स्मोकलेस स्टेट है ये मैं आपको बताने वाली हूँ बजट बजट फेबररी में आ गया था तो उसमें उसी वक्त ये बात लिख दी गई थी दैट इट इज़ डिक्लेयर्ड एज स्मोक फ्री स्टेट तो जब जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस भी आने वाले हैं सो so इस तरीके के ये जो फैंसी वर्ड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं दो ऑल दो ये इस पहले से लाइक बताया हुआ है कि स्मोक फ्री है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो ये प्री इस तरीके के फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं हमारा अगला न्यूज कहता है कि एस जी वी एन दैट इज सतलुज जल विद्युत निगम उन्होंने गुजरात में एक प्रोजेक्ट लगाया है सोलर पावर का सोलर पावर का एक प्रोजेक्ट कमीशन किया गया है जिसको टू थाउजेंड थ्री में स्केड्यूल किया जाएगा काफी सारा पावर यहाँ पर ये अगेन uh, जनरेट करने वाला है तो एस जी वी एन के बारे में हमें क्या पता है एक पी एस यू है और अगेन डैम्स जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा काम करता है और हम इसकी फैसिलिटीज और स्टेट्स को भी प्रोवाइड करते हैं लास्ट टाइम मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी मध्य प्रदेश में भी हम लोग इस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अगेन प्री में ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जहां पर हम एनर्जी में इसको लिख सकते हैं दैट वी हैव एडवांटेज ओवर दी अदर स्टेट्स क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मास्टर किया है आर्ट ऑफ मेकिंग डैम्स हम नेपाल तक डैम बना रहे हैं फिर ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए सो एसजी वी एन इज वर्किंग रियली गुड इन दिस सेक्टर एंड हेंस हिमाचल इज डूइंग वेरी गुड सो हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है थ्री डे सा इनागरेटेड इन अर्की हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि अर्की का सायर फेयर सबसे ज़्यादा फेमस है अगेन सैर भी इसको मंडी वाले एरिया में कहते हैं बहुत जगह ये मनाया जाता है सेप्टेम्बर की दूसरी संक्रांति होती है यूजली सोलह सेप्टेम्बर को यह आता है सोलह सेप्टेंबर को और क्या होता है ओजोन डे तो वहाँ पर जब इसको मनाते हैं वहाँ पर एक ये एक चीज़ के लिए फेमस है दैट तो इज़ ये बुल फाइटिंग सो so, जब मैं छोटी थी तो मैंने ये देखने इसको हम जाया करते थे लेकिन इट्स बीन अ वाइल्ड जब ये बुल फाइटिंग वहाँ पर नहीं हुई है कोविड uh, भी रीजन रहा एनिमल ब्रुटैलिटी थोड़े टाइम के लिए ये वाले मुद्दे भी उठे लेकिन ये इसके लिए फेमस है और सायर जो है इस तरीके से मनाया जाता है कि आने वाला जो क्रॉप है वो अच्छा हो और प्रॉस्परस हो तो अगेन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सायर फेयर कहाँ पर मनाते हैं मनाते हर जगह हैं लेकिन अर्की का जो है वो फेमस है हमारा अगला जो न्यूज़ है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट सेंक्शन इन ऊना टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन करीब अगस्त में मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट का जो कल्टीवेशन है वो शुरू किया गया है पहले एकदम पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया मनरेगा के अंतर्गत इसको शुरू किया गया बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसको कैश इन भी किया क्योंकि ऊना बहुत अच्छा एरिया है ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए ऑर्नामेंटल है इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और महंगा बिकता है तो इसने बहुत ज़्यादा फार्मर्स को हेल्प किया अभी फाइनली वहाँ पर उसी ड्रैगन फ्रूट के लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी लग गया है यानी कि आगे अगर हम उसका कोई वैल्यू एड करना चाहते हैं उसको स्टोर करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी जो है काम किया जाएगा जिसमें थर्टी फाइव परसेंट सब्सिडी दी जाएगी ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर यहाँ पर मार्केटिंग इश्यूज़ के ऊपर भी काम किया जाएगा एज वेल एज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही देगा अभी छोटा है सिंस स्टार्टिंग है तो पंद्रह लोगों को और जो आगे हम देखते हैं कि लिंक चेन सप्लाई लिंक चेन्स तो बनते ही हैं तो और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हैंस दी ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन शिवालिक्स में की जाती है दैट इज ऊना में स्पेसिफिकली और अभी जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी यूनिट भी खोला जाएगा यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए जैसे कि क्लाइमेट किस तरीके का इसको चाहिए तो 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए करीब करीब सॉइल रिक्वायरमेंट इज ऑर्गेनिक होना चाहिए सैंडी सैंडी लोम टू क्ले लोम इस तरीके का देखने को मिलता है यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल की भी जरूरत नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं होनी चाहिए इज लाइक ओकेश देन वी टॉक अबाउट कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है सो लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं इसको फार्मर्स ने इसका हेल्प लिया अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने में और किया भी बहुत सारे फार्मर्स के एग्जाम्पल निकल के आए कि इन्होंने लाइक न्यूज़पेपर में उनके फोटो छपे कि कैसे उन्होंने ड्रैगन फ्रूट ने उनको जो है यहाँ पर बेनिफिट किया है राइट नेक्स्ट इज उन बैरन लैंड टू बी फ्रूट हब अब देखो एक साल इस साल में ना ऊना बहुत ही फायदे में रहा है चाहे वो इंडस्ट्रीज हो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहां पर लग रही हैं बल्क ड्रग पार्क लग रहा है देन वी टॉक अबाउट कल्टीवेशन तो अभी हमने ड्रैगन फ्रूट देखा एंड फाइनली जो जितना भी इसका बैरन लैंड है उसको फ्रूट हब की तरह यूज़ किया जाएगा इसमें एक प्रोजेक्ट का मैंशन किया गया है उसका नाम है शिवा प्रोजेक्ट डायरेक्टली मेन्स में एलाइड मेन्स में पूछा गया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिवा प्रोजेक्ट शिवा की फुल फॉर्म है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल देन इरीगेशन एंड वैल्यू एडिशन रेडीनेस तो इससे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम सब ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं यानी कि इसमें शिवालिक्स आते हैं इसमें अगर आप ग्रेटर हिमालयस की बात करेंगे तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ग्रेटर हिमालयस में या हम कह सकते हैं आपके पीर पंजाल या धौलाधार है इनमें ना डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन होता है हॉर्टिकल्चर होता है इसमें ऑलरेडी एप्पल लग रहा है या नट्स लग रहे हैं लेकिन जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे लोग कम लगाते हैं जबकि वहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स बहुत सारे लगाए जा सकते हैं तो उसी को यहाँ पर जो है इन्फोर्स करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और जिसमें अभी ऊना का बैरन लैंड बहुत सारा लैंड पड़ा था ऐसे ही पड़ा था उसको फ्रूट हब बनाया जाएगा सो so, इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को उत्साहित किया जाता है कि आप भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगाएं और हॉल्ट हॉर्टिकल्चरल बैंड उनको दिया जा रहा है जैसे ऊपर अगर आप जाओगे ना बहुत सारे लोग शिमला की अगर हम बात करते हैं एक दिन इंडियन एक्सप्रेस पे सबसे फर्स्ट पेज पे थी कि कोटगढ़ के रहने वाले कोई इंजीनियर थे जिन्होंने छोड़ दिया और एप्पल अपना एप्पल का सीज़न लगाने लगे ये हम लोग शिवालिक्स में नहीं देखते हैं शिवालिक्स में लोग इतने ज्यादा है नहीं कि वो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में एंगेज तो गर्मी भी है बट स्टिल इतने ज्यादा है नहीं तो वही बैंड यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी फ्रूट सिट्रस फ्रूट स्पेसिफिकली यहाँ पे लगते हैं तो उनको यहाँ पर लगाया जाए और फ्रूट हब इसको बनाया जाए नेक्स्ट आ गया हमारा ऑर्चिड्स टू कवर सिक्स थाउजेंड हेक्टेयर इन कांगड़ा सोलन एंड बिलासपुर तो अगेन ऑर्किड्स और चर्च होते हैं ऑर्किड्स होते हैं जो भी आप बोलते हैं तो इसमें भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ये जो शिवा प्रोजेक्ट है ये आपका कांगड़ा सोलन और बिलासपुर अगेन शिवालिक्स यहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्रॉप सेपलिंग्स दिए गए हैं सिट्रस सिट्रस फ्रूट्स लाइक गवावा पोमग्रेनेट लीची मैंगो ये सब उगाए जा सकते हैं अब जैसे आप हम देखें ना फॉर एक्जाम्पल बिलासपुर की मैं बात करती हूँ वहाँ पे मेरे नान के है, तो वहाँ पर बहुत सारे ये मैंगो के ट्रीज हैं और उगते भी है ढेर सारे लेकिन अगेन लोगों का बेंड नहीं होता है इसकी तरफ कि हाँ कौन देखेगा या इस तरीके का कुछ एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है वेर एज अगर हम अपर एरिया में जाते हैं दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर हॉर्टिकल्चर सो उसी वाले स्पिरिट को इन लोगों में भी डालने की कोशिश की जा रही है सो so, आज की लास्ट न्यूज़ है आइन प्रॉफिट्स फार्मर्स इन हिमाचल टू टर्न टू एग्जॉटिक स्पाइसेस नई बात नहीं है अगर आप अच्छे से एग्रीकल्चर वाले इस टॉपिक को कवर कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि हिमाचल में हींग और सैफरन कल्टीवेशन को प्रोमोट किया जा रहा है लेकिन अभी लोग जो हैं उनको लाइक पहले पायलट प्रोजेक्ट चले थे अभी उनका झुकाव इस तरह आ रहा है कि हम एग्जॉटिक स्पाइसिस जो हैं यहाँ उगाएंगे इसी के लिए यहाँ पर एक योजना भी चल रही है जिसका नाम है कृषि से संपन्नता योजना ये इसके लिए एच एस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो लास्ट वाला एच था ना उसमें पूछा गया था कि ये किसकी है बहुत सारे स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट्स ये था हींग को और आपके सैफरन को बहुत सारे एरियाज में तो एरिया पता होना चाहिए जैसे किन्नौर भरमौर काजा यानी कि हींग ड्राई प्लेसेस में लग रहा है लाहौल एंड स्पीति हो गया अगेन इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है लेकिन अभी अगर हम बात करें हम बहुत सारा हींग जो है इम्पोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में होता है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए लाहौल एंड स्पीति में इसको उगाया जा रहा है और लोगों का भी झुकाव इसकी तरफ हमें देखने को मिलता है सो so, बस यही आज के लिए दैट इज इट फॉर टुडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग